नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायलिसिस के फायदे और नुकसान के बारे में। अक्सर हम डायलिसिस के नुकसान सुनते हैं कि डायलिसिस करवाने से बॉडी में वीकनेस जनरेट होती है, डायलिसिस करवाने से पेशेंट जल्दी चला जाता है, जो कि कहीं ना कहीं सच बात भी है। तो इसी डायलिसिस को आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि हमने कब करवाना है और कब नहीं करवाना। डायलिसिस की रिक्वायरमेंट किसी भी इंसान को तब पड़ती है जब हमारी खुद की खून साफ करने की मशीन यानी हमारी किडनी किसी भी वजह से कम काम करना शुरू कर दे। किडनी का नुकसान हाई ब्लड प्रेशर से हो सकता है, डायबिटीज से हो सकता है, पॉलीसिस्टिक किडनी से हो सकता है, या फिर किसी और बीमारी जैसे आईजी नेफ्रोपैथी या फिर ल्यूपस नेफ्राइटिस। किसी भी कारण से अगर किडनी कम काम कर रही है तो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, जिसे आप क्रिएटिनिन और यूरिया के नाम से जानते हो। अगर आप लोग ये नहीं जानते कि इससे बॉडी में क्रिएटिनिन और यूरिया नहीं बढ़ रहा होता, उसके साथ साथ अनगिनत और बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बॉडी में इकट्ठे हो रहे होते हैं, जो कि जैसे जैसे बढ़ते हैं हमें बीमार और बीमार बनाते चले जाते हैं। और अगर इनको साफ ना किया जाए, खून को क्लीन ना किया जाए, तो ये जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, गंदा खून है, वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है और हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को यही गंदा खून मिलता है। अब ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, गंदगी है, वो हमारे बाकी ऑर्गन्स को बीमार बनाना शुरू करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो ऑर्गन होता है, हमारा हार्ट है, हमारा ब्रेन है, उस पर भी इनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसी वजह से अगर हम किसी पेशेंट को डायलिसिस करवाने से मना कर देते हैं कि आप मत करवाओ, या पेशेंट कहते हैं मुझे नहीं करवाना, तो सबसे बड़ा खतरा किसी को डायलिसिस ना करवाने का हार्ट अटैक होता है कि पेशेंट का जो हार्ट बीट है वो रुक जाती है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसी वजह से पेशेंट को डायलिसिस तब करवाना चाहिए जब पेशेंट के जो लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए, खून बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए, या फिर पेशेंट की बॉडी में ऐसे सिम्टम आने शुरू हो जाए जो कि हमें बहुत जल्दी ख़त्म करने हैं। अगर हमने नहीं किया तो और ऑर्गन्स को नुकसान हो सकता है, जैसे उनके ब्रेन पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाए, पेशेंट अजीब अजीब सी बातें करना शुरू कर दे, पेशेंट को नींद बहुत ज़्यादा आने लगे, पेशेंट उठना बैठना बंद कर दे, खाना खाते ही उल्टी करना शुरू कर दे, या बिना खाना देखते उल्टी करना शुरू कर दे, पानी पिया फिर उल्टी हो गई। तो ऐसा कोई भी सिम्टम जहाँ पर हमें लगता है कि पेशेंट की जान को खतरा है, ऐसे केसेस के अंदर डायलिसिस करवाना चाहिए, क्योंकि वो एक फर्स्ट एड की तरह काम कर रहा होता है। अगर कोई इंसान, कोई पेशेंट अपने डायलिसिस को रोकना चाहता है कि वो ना हो, तो हमें क्या करना है, हमें जो नेचुरल प्रोसेस है किडनी के थ्रू वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करने का, तो दोबारा से चालू करना होगा, या अगर वो चल रहा है तो उसे मेंटेन करना होगा, क्योंकि किडनी फेल एक ऐसी दिक्कत है जो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे वो बढ़ती है वैसे वैसे क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ता है। तो अगर आपको पता है कि आपकी किडनी खराब हो रही है, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट बनता है कि इस बीमारी को बढ़ने ना दो। अब बढ़ने अगर हमने इसे नहीं देना, तो हमें समझना पड़ेगा कि किडनी को किस चीज से नुकसान हो रहा है। अब कोई भी चीज अपनी मर्जी से नहीं हो रही होगी, किडनी खराब हो रही तो अपनी मर्जी से नहीं हो रही, उसे खराब करने वाली एक और बीमारी आपके शरीर में जरूर होगी। हो सकता है वो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है वो डायबिटीज हो सकता है वो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, तो हमें पहले उस पर काबू लेना पड़ता है कि वो किडनी को और नुकसान ना पहुंचाए। जब किडनी को और नुकसान होना बंद होगा, तो ही तो किडनी और खराब होना बंद होगी और क्रिएटिनिन और बढ़ना बंद होगा। तो सबसे पहले उस बीमारी को ढूंढो और उस पर काम करना शुरू करो। अगर वो नहीं हो रहा तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है, आपको चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है जब तक वो ठीक ना हो जाए। अब जब आपकी बीमारी की जड़ ठीक हो जाती है तो किडनी को और नुकसान नहीं हो रहा, तब जाकर किडनी अपने आप को रिवाइवल में डालती है। किडनी कोशिश करेगी मेडिसिन के साथ कि अपनी फंक्शनिंग को बढ़ाए, और जैसे जैसे वो अपनी फंक्शनिंग को बढ़ाती है, जीएफआर बढ़ता है, तो क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल डाउन होने शुरू हो जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक पेशेंट से मिले तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आप अपनी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाकर अपनी क्रिएटिनिन को डाउन करके जीएफआर को बढ़ा सकते हो। अभी हमारे साथ एक पेशेंट मौजूद है जो कि किडनी की ही पेशेंट है, जो कि एक बच्ची है। सबसे पहले तो आपका नाम बताइएगा। शीतल। आप कहाँ से? पलवल से। पलवल। तो अभी जो है इनके मामा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सर आप लोग कहाँ से आए हैं फिलहाल? पलवल में गांव से आए हैं, गुदराना गांव से। अच्छा अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम थी इनको? मैम इसको प्रॉब्लम थी, किडनी की प्रॉब्लम थी इसको, मतलब स्टार्टिंग में इसको किडनी की प्रॉब्लम है, सही इसको प्रोटीन लॉस हुआ था, तब हमें इसको मालूम हुआ कि इसके किडनी की दिक्कत है। अच्छा, तो इससे पहले भी आप कहीं कहीं गए होंगे, कहाँ गए?
आगरा भी दिखा चुके हैं हम, एम्स में भी दिखा चुके हैं और जयपुर भी दिखा चुके हैं इसको। और हमने इसको आगरा दिखाया था तो वहाँ पे हमने इसको भर्ती किया था, मतलब इसको प्रॉब्लम एक साल हो गई इसको। अच्छा। किडनी की प्रॉब्लम को, तो वहाँ पे इसकी 4-5 बार डायलिसिस भी हो गई थी। तब किडनी की प्रॉब्लम हुई तब इसका जो क्रिएटिनिन लेवल था वो 13 था। अच्छा। तो फिर डायलिसिस 3-4 बार हुई थी तो इसका क्रिएटिनिन लेवल 1.5 के करीब आ गया था, तो इसकी दवाएं चलती रही। फिर कुछ दिन दवा चलने के बाद फिर उसको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। अच्छा। तो फिर हमने सोचा कि अब एलोपैथिक में तो होगा नहीं, फिर हम आयुर्वेदिक की तरफ गए। तो हमने फिर यूट्यूब पे देखा था रुद्रवंजी। अच्छा। के बारे में, तब हम यहाँ पे आए। यूट्यूब के माध्यम से ही आपको पता चला। तो फिलहाल अभी ये कितने साल की? 15 साल की है। एक 15 साल की बच्ची या लड़की या जैसे भी कहें आप, उन्हें किडनी की प्रॉब्लम है और इसमें कितनी ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है, आप इस बच्ची के मुंह से ही जान लेते हैं। बच्चे, इससे पहले आपको कोई पेन वगैरह भी कैसे कुछ फील होता था इससे? तो आप जब यहाँ आए तो कैसे लगा, यहाँ पे डॉक्टर साहब ने कैसे कैसे ट्रीट किया, क्या बोला था उस वक्त में आपको, क्या बोला था सर? डॉक्टर साहब ने ये बोला था कि मतलब इसको किडनी के अलावा इसको थोड़ी यूरिन की भी समस्या है, यूरोलॉजी की भी समस्या। तो सबने बोला था कि हम इसको 15 दिन की दवा देते हैं, अगर हम फायदा होता तो हम आगे ट्रीटमेंट चलाएंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। अच्छा। तो आफ्टर 15 दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद इसका जो क्रिएटिन लेवल था 4.59 था, तो आफ्टर 15 दिन के बाद दवा लेने के बाद इनका क्रिएटिन लेवल आ गया था 1.91। तो हमें इम्प्रूवमेंट लगा, तो सर ने फिर 1 महीने की दवा और दी। फिर 1 महीने की दवा देने के बाद इसका और फाइनल जो क्रिएटिनिन लेवल है वो 1.61 है, मतलब बहुत आराम है इसको। पहले पेट में दर्द रहता था, मतलब प्रोटीन लॉस भी होता था, अब उसमें बहुत फायदा है इसको, अब इम्प्रूवमेंट है। तो जहाँ पहले गए थे जिन डॉक्टर्स के पास में, उन डॉक्टर्स का क्या कहना था इनके बारे में? उन डॉक्टर्स का ये कहना था कि मतलब इसका एलोपैथिक में मतलब कोई इलाज है ही नहीं, मतलब इसकी मतलब जीवन भर दवाई चलती रहेंगी, उन्होंने ये कहा था। चलिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि फिलहाल इम्प्रूवमेंट दिख रही है। तो इन पेशेंट से बात करके मेरे को जो बात पता चली है वो ये भी है कि 45 डेज के अंडर में इस बच्ची का जो क्रिएटिनिन लेवल था वो था 4.59 और अब इसका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो 1.6 पहुंच चुका है। तो ये एक खुद में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी इंसान को ठीक करने के लिए। और नेशनल खबर की टीम जो है आपके साथ ऐसे और पेशेंट्स को साझा करती रहेगी जो इम्प्रूव होते जा रहे हैं, जिससे कि आपको भी एक सटीक जानकारी मिल सके कि आप अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ पर आप कितने प्रतिशत ठीक हो सकते हैं या फिर कितने प्रतिशत आप इम्प्रूव हो सकते हैं। किडनी खराब होने की दिक्कत किसी भी उम्र में हो सकती है, जैसे हमने अभी शीतल के केस में देखा कि इनकी उम्र बहुत कम थी। इनको दिक्कत कब होनी शुरू हुई थी, जब इनके पेशाब के रास्ते में रुकावट आनी शुरू हुई, उसके बाद सर्जरी हुई, उसके बाद भी क्रिएटिनिन लेवल 4 के आसपास था, यानी 4 का मतलब होता है कि किडनी का 60% काम ना करना। क्योंकि पेशेंट की उम्र कम थी तो जरा से भी हमने मेडिसिन दी, बहुत कम टाइम चली, मेरे ख्याल से 1-2 महीने की मेडिसिन चली और उनके लेवल्स बहुत अच्छे डाउन होने शुरू हो गए। तो ये फायदा हमें देखने को मिलता है अगर हम सही टाइम पे सही एक्शन ले लेते हैं। तो अब जहाँ पर इनको पहले डॉक्टर बोल रहे थे कि आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा या फिर ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए, अब ये जो नौबत थी वो दोनों ही टल गई है, क्योंकि इन्होंने सही तरीके से काम किया, इन्होंने बीमारी को समझा और बीमारी पे एक्शन लिया। तो मैं कोई ये कहना चाहता हूँ कि किडनी की दिक्कत है उसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। जब आप इस बीमारी को समझ जाते हो और स्पेशली अपने केस के अंदर, तो आप वहाँ पर जीतना शुरू कर देते हो, आपको समझ में आना शुरू हो जाता है कि इस बीमारी की कमियाँ क्या हैं जिनको आप फायदा उठाकर अपनी किडनी की दिक्कत को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हमने बात कर ली कि डायलिसिस के फायदे कब होते हैं और कब हमें करवाना चाहिए। अब कहते हैं कि डायलिसिस के नुकसान क्या होते हैं। अगर कोई पेशेंट ये सोचता है कि ठीक है मुझे डायलिसिस ही करवाते रहना है या मैं डायलिसिस ही करवाऊंगा, मैं किडनी पे काम नहीं करूंगा, तो एक छोटी सी दिक्कत आनी शुरू होती है। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप गूगल पे जाएं और गूगल पे जाकर सर्च करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन डायलिसिस पेशेंट, तो आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे। तो उसमें अगर हम पढ़ते हैं, डीप जाएंगे, तो हमें क्या देखने को मिलता है, क्या सुनने को मिलता है कि अगर कोई इंसान हफ्ते में एक बार डायलिसिस करवाता है तो उसकी बॉडी को बहुत कम नुकसान होता है और पेशेंट की जो उम्र होती है वो 20 साल 30 साल 40 साल कुछ भी हो सकती है, क्योंकि वो जो 6 दिन में खा रहा है वो 7वें दिन में अगर थोड़ा कम भी हो जाएगा तो बॉडी को हार्म नहीं होता। वहीं पर अगर डायलिसिस हफ्ते में 2 बार हो रहा है तो एवरेज, यानी एवरेज मतलब कि अगर हम 100 लोग लेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि सबकी एज रफली 5 साल के आसपास आ रही है,
तो हफ्ते में 2 बार करवाने पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है एक डायलिसिस पेशेंट की वो है सिर्फ 5 साल। यानी अगर आपकी उम्र अभी 45 साल की है, आप हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवा रहे हैं, तो 5 साल तक डायलिसिस कंटिन्यूसली करवाने में बॉडी में इतनी वीकनेस हो जाएगी कि बॉडी का कोई और ऑर्गन फेल हो जाता है। तो हमने इस पर काम करना, ये नुकसान है उसका। और अगर किसी भी कारण से अगर हमें हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करवाना पड़ता है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो एवरेज आती है वो है 6 महीने से लेकर 1.5 साल के आसपास, कि 6 महीने से 1.5 साल के आसपास पेशेंट की जो है किसी और कंडीशन से डेथ हो जाती है। और उसमें सबसे बड़ा कारण होता है वो है कार्डियक अरेस्ट। आपका जो हार्ट है वो इतना वीक हो जाता है कि उसे पंप करने में दिक्कत होती है। अब ब्लड पंप नहीं हो पाता तो बाकी ऑर्गन्स भी फेल होने शुरू हो जाते हैं। तो डायलिसिस के नुकसान है उम्र का कम होना, बॉडी में वीकनेस आना। और ये वीकनेस इसलिए आ रही होती है क्योंकि जब हम डायलिसिस करवाते हैं तो बॉडी में जो क्रिएटिनिन है, यूरिया है, वो तो निकलता ही है, बट साथ साथ बॉडी में जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो भी निकलने शुरू हो जाते हैं जो कि हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। और इनकी कमी की वजह से ही बॉडी में वीकनेस जनरेट होनी शुरू होती है और पेशेंट वीक 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 होता चला जाता है। तो अब हमने करना क्या है? तो अगर आपकी अभी डायलिसिस स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप पहली चीज़ क्या करेंगे कि आप अपनी जो डायलिसिस नेचुरल जो मशीन लगी हुई है, किडनी लगी हुई है, उन पे काम करेंगे कि किडनी को और नुकसान ना हो, किडनी और ख़राब ना हो, क्रिएटिनिन लेवल आपका और ना बढ़े, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने क्या करना होता है, अपनी डाइट का ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप जो खा रहे हो वो सिर्फ किडनी के लिए नहीं खा रहे हो, वो अपनी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स के लिए भी खा रहे हो। अब जैसे अगर एक पेशेंट सिर्फ घिया तोरी टिंडा उबाल उबाल के खाएगा तो वो अपना वेट लूज करता है। अब जब पेशेंट अपना वेट लूज कर रहा होता है तो हम क्या देखते हैं कि पेशेंट के जो क्रिएटिनिन लेवल्स हैं वो सुधरने शुरू हो जाते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिएटिनिन कहीं ना कहीं हमारी मसल्स में बनता है, हमारी मांसपेशियों में बनता है। तो अगर आपका मसल मास कम है, मांसपेशियाँ कम हो रही हैं, तो क्रिएटिनिन भी कम बनेगा और रिपोर्टों में भी कम नजर आएगा। अब आप खुश हो जाते हैं कि क्रिएटिनिन मेरा सुधरना शुरू हो गया, मगर इससे आपकी दिक्कतें कम नहीं, बढ़नी शुरू हो जाती है। क्यों, कैसे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपका मसल मास कम हो रहा है, आप वीक हो रहे हैं, तो क्रिएटिनिन लेवल आपका चाहे 7 से 5 आ जाए, 4 आ जाए, बट आपकी बॉडी में जो वीकनेस है वो आपको डायलिसिस की तरफ और स्पीड से ले जाती है। और डायलिसिस जो आपका हो सकता था लंबे टाइम तक, वो नहीं हो पाता क्योंकि बॉडी में वीकनेस बहुत है। तो हमने क्या किया, हमने बॉडी को वीक कर दिया ढंग से खाना ना खाकर। एक और चीज़ हमारी बॉडी में हो रही होती है, जब हम ढंग से खाना नहीं खाते, खाना कम खाने की वजह से जो किडनी पहले कमज़ोर थी उसे भी खाना नहीं मिलता। अब जब उसे खाना नहीं मिलता तो वो जो थोड़ा बहुत जो काम कर रही थी वो बिल्कुल बंद कर देती है। जो पहले आपके लेवल डाउन हुए थे वो दोबारा से बनने शुरू होते हैं और इस स्पीड से बढ़ते हैं कि अब डायलिसिस भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब हमारी बॉडी में वीकनेस आ गई है। तो सही से खाना खाना एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए ज़रूरी है। परहेज ज़रूरी है, मगर परहेज और खाना बंद करने में फ़र्क होता है, उसे समझना आप सभी के लिए ज़रूरी है। खाना हम अपनी सिर्फ किडनी के लिए नहीं खा रहे, बाकी ऑर्गन्स के लिए भी खा रहे हैं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि जब हमारी बॉडी में सिम्टम्स बहुत सारे आ रहे हों, हमें दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हो, सांस लेने में दिक्कत है, चीज़ों को याद रखने में दिक्कत हो रही है, खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, या ऐसी कोई दिक्कत आ रही है जिसे हमें पता लग जाता है कि जान को खतरा है, उस केस के अंदर हमें डायलिसिस करवा लेना चाहिए। अगर नहीं करवाते तो हमारी दिक्कतें बढ़ती हैं, ख़त्म नहीं होती। और अगर हम डायलिसिस ये सोचते हैं कि हम डायलिसिस ही करवाएंगे और अपनी किडनी पे काम नहीं करेंगे तो भी हमारी दिक्कतें बढ़ती हैं, कम नहीं होती, क्योंकि डायलिसिस से ना सिर्फ खून साफ होता है, क्रिएटिनिन यूरिया कम होगा, बल्कि साथ में विटामिन मिनरल्स भी बॉडी में कम होने शुरू हो जाएंगे और जिसकी वजह से हमारी वीकनेस बढ़ती चली जाएगी। तो आपने इन दोनों चीज़ों को समझना है कि हर चीज़ के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं और हमेशा हमें अपने रास्ता अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से बनाना पड़ता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ, आप हमारे डॉक्टर्स को कॉल कीजिए, वो आपकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बताएंगे। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने के आगे चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।